आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, ये हमें पढ़ाई करने नहीं देते। सो हियर आर फ्यू इनसाइट्स। पहला है कि हमें समझना है कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं ये काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू व्हाट वी थिंक दे आर। तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस को हम मामूली या सामान्य पकड़ लेते हैं कि ये तो होना ही है, बट दे हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन आवर प्रोडक्टिविटी। तो डिस्ट्रैक्शंस को समझने के लिए पहले समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वो होते हैं जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते करते आपका मोबाइल बजता है, सो द रिंगर इज ऑन और मोबाइल बजता है, सो इट्स एन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो आप उसको शायद आप उसको पिकअप नहीं करते हो या पिकअप करते हो, बट इट हैज डिस्ट्रैक्टेड यू। और मे बी समबडी एल्सेस फोन, सो घर में किसी का, पापा का, मम्मी का या किसी और का फोन, या इवन सम हाउस हेल्प इज देयर, उसका फोन बज रहा है। तो वो फोन बज रहा है, वो कब उठाएगा नहीं उठाएगा, लेकिन आप उस समय डिस्ट्रैक्ट हो गए। द डिस्ट्रैक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ डोर बेल, कि कोई घंटी बजा रहा है घर की, एंड मे बी समबडी गोज टू ओपन द डोर, लेकिन आपके मन में एक बात है कि कौन आया होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। और अगर घर में कोई नहीं है तो फिर वो बाहर वाला घंटी दबाते रहेगा, फिजिकली उठ के आपको जाके आपको डोर खोलना पड़ेगा। सो यू आर डिस्ट्रैक्टेड physically, you have to get up and open the door. Distractions can be in the form of maybe कोई गेस्ट आ गए घर में, पापा मम्मी भी बोलते हैं कि देखो मेरे बच्चे से मिलो, मेरी बेटी से मिलो, तो आपको भी जाना पड़ता है, and you are distracted from your studies. एक होता है जो इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं डिस्ट्रैक्शंस, 8, 10, 12 गिनती के होंगे जिसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो, फिंगर टिप्स में नोट कर सकते हो। बट इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आर मेनी। आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते आपके मन में थॉट आया कि अरे मेरे फ्रेंड ने कहीं मैसेज तो नहीं किया, and you want to pick up the phone and see your WhatsApp or any other chat group कि क्या चल क्या रहा है उधर। And this is an internal distraction. Internal distraction can also be in the form of you thinking about yesterday or you thinking about the future or maybe you thinking about कि मेरे से सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे दोस्त ने तो बहुत पढ़ाई अच्छी कर ली है, मेरे से नहीं हो पा रही है, and your mind can create n number of distractions. तो ये internal distractions काफी harmful होते हैं compared to external distractions. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस करता क्या है बिफोर आई गो टू द मॉडल साइड। तो डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, हमारी एक रिदम को तोड़ता है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो और आप रिदम में आ रहे हो, एंड सडनली वन डिस्ट्रैक्शन हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आपका रिदम टूट रहा है, जब रिदम टूटता है, एक लय टूट रही है, तो आपका मोमेंटम टूटता है, और जब मोमेंटम टूटता है तो स्पीड कम होती है और फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप देखो कोई भी स्पोर्ट हो, इट कैन बी स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, तो जो बैट्समैन सेट होता है उसका रिदम तोड़ने के लिए ऑपोजिशन का कैप्टन या ऑपोजिशन के बॉलर उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अगर वो अच्छा बैट्समैन खेल रहा है, स्कोरिंग रन्स एंड उसको बॉल फुटबॉल की माफी दिख रही है, तो वो बॉलर जो है वो कभी वाइट बॉल करेगा, कभी बाउंसर करेगा, कभी बॉर्डर लाइन करेगा, एंड उसका सारा फोकस है कि मैं कैसे इसका रिदम तोड़ दूं। एंड वेरी हाई चांसेस कि ये जो बैट्समैन होते हैं जो अक्सर उस रिदम के टूटने से उसके जाल में फंस जाते हैं, दे गेट आउट द नेक्स्ट बॉल। तो ये मोमेंटम तोड़ने से प्रोडक्टिविटी पर बड़ा असर पड़ता है। आई वॉज रीडिंग अबाउट माइकल फिल्प्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट नोन ओलंपियंस इन द वर्ल्ड, और टोटल उन्होंने 28 मेडल्स उन्होंने जीते हैं ओवरऑल इन ऑल द ओलंपिक्स ही हैज पार्टिसिपेटेड। उनके कोच हैं बॉब बोमैन के नाम से, और उन्होंने 12 साल जो है माइकल फिल्प्स पे काम किया। 12 साल तक उनकी ट्रेनिंग लेते रहे और वो एक रिदम बनाते रहे ट्रेनिंग का, कि एक दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करनी है, हफ्ते में कितने घंटे ट्रेनिंग करनी है, और रिदम को बढ़ाते रहे। और उनके मन में, वुमेन के मन में था कि जैसे ओलंपिक्स आएगा तो इस ओलंपिक्स में माइकल फिलिप्स का मोमेंटम पीक स्टेट पे होगा और उस पीक स्टेट में ही विल परफॉर्म द बेस्ट। तो इतना स्ट्रिक्ट था उनका फोकस कि रिदम टूटना नहीं चाहिए उसपे, कि 12 साल में उन्होंने सिर्फ एक बार माइकल फिलिप्स को अलाउ किया घर जल्दी जाने को, वो भी 15 मिनट के लिए। तो सच वॉज द फोकस ऑन मेंटेनिंग द रिदम ऑफ प्रैक्टिस। तो जो वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कैसे भी करके अपने रिदम को तोड़ना नहीं चाहते। तो रिदम मेंटेन रहे, उसके लिए आई विल गिव यू अ 5-step मॉडल व्हिच इज कॉल्ड द पावर स्टडी मोड। तो पहला स्टेप है कि बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग आप डिसाइड करो आपको कितने घंटे पढ़ना है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और उस 1.5-2 घंटे के अंदर आपने क्या कवर करना है। बी वेरी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव। सो आपने 2 चैप्टर करने हैं, 5 चैप्टर करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट करना है, यू डिसाइड ऑन दैट। Without deciding on that, you will actually not get into the rhythm. Second step है, you sanitize your surroundings. तो आप अपने फोन को ऑफ रखिए, घर वालों को बोल के रखिए that you are in PSM mode, and share with them that this is a time 1.5-2 hours where you don't want to be disturbed at all. You have to sanitize. देखिए, people will treat you the way you teach them treat you. So you have to teach them how you should be treated in that 1.5 hours. Third step, you sanitize yourself. you ensure that you are sitting and in the best possible position. तो आप चेयर में बैठ के पढ़ रहे हो, बेड में लेट के नहीं पढ़ना है। आपका अगर चेहरा डल हो रहा है या थका हुआ हो रहा है, go and wash your face. You have the freshness in the room. That is sanitizing yourself. Sit erect. You know, spine erect होनी चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि this person, this boy or this girl is about to study in the best possible way. Fourth step. Before you start studying, just 2 minutes, close your eyes and visualize. आप विजुलाइज करिए कि आप जो पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट क्या है। आप विजुलाइज करिए कि आप वो सब्जेक्ट कर रहे हैं और आपको सब्जेक्ट आ रहा है और आप सब्जेक्ट को सॉल्व करते जा रहे हैं। विजुलाइज करिए कि आपने वो 1.5-2 घंटे में जो पढ़ना था आपने पूरा पढ़ा। Those 2 minutes of visualization will make the entire thing happen in your mind. और ये कहावत तो सुनी है ना कि everything is created twice, or once inside and second time outside. तो 2 बार चीजें क्रिएट होती हैं। अगर मन में क्रिएट कर लिया तो बाहर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। So visualize for a few minutes before you start studying. The fifth step: ensure that you start on something which is not that difficult. वो हमने देखा ना कि मैथ्स में जब हम लोग प्रॉब्लम्स करते बैठते हैं तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर हम दूसरे पे आते हैं, फिर हम वो भी सॉल्व होता है, फिर हमें तीसरे करने की इच्छा होती है, फिर तीसरा करते हैं, चौथे में आते हैं और जाके कहीं 5वां 6वां मुश्किल आता है। लेकिन वो रिदम इतनी बढ़िया होती है कि हम वो मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर इंटरनली रेडी, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। लेकिन अगर शुरुआत में वो 5वां वाला पहले आ जाए, देन यू विल सी दैट योर एबिलिटी एंड योर विलिंगनेस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विल नॉट बी हाई। सो दिस इज अ सिंपल 5-step प्रोसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू अ पावर मोड। सो वी से पावर स्टडी मोड, पीएसएम मोड। सो आप अपने फोकस को मेंटेन रखिए, आप अपने मोमेंटम को मेंटेन रखिए। सिंपल प्रोसेस है। डिस्ट्रैक्शंस विल ब्रेक योर रिदम, योर रिदम व्हिच इज ब्रोकन विल ब्रेक योर मोमेंटम। मोमेंटम अगर टूटता है तो प्रोडक्टिविटी को उसका असर होता है। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट टफेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर स्टडीज यू विल बी एबल टू हैंडल अगर पढ़ाई में मोमेंटम आ गया तो। ऐसे 1.5-2 घंटे के कैप्सूल्स बनाइए जिसको आप पावर स्टडी मॉडल बोलते हैं, एंड इसका रिदम लेके आइए दैट द मोमेंट यू गो इनटू पावर स्टडी मॉडल, सो पीपल एट होम यू आल्सो फील दैट the results will be very high compared to what you would study in the past. And jitna iska rhythm banega, I'm sure, utna aapki productivity badhegi. So wish you all the very best for exams. I'm sure aap sab youngsters, aap sab jitne students hain, you will surprise yourself. By the way, you will outclass your past. Aapka competition aapse hai. Aapka competition aapke pichle jo din beet gaya usse hai. So mujhe vishwas hai ki aap usse aage nikloge aur apne aap ko aap आश्चर्यचकित करोगे, आप सरप्राइज करोगे विद द रिजल्ट्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। नमस्ते।